कि ऐसा शिक्षा मंत्री ना कभी आया ना कभी आता क्यों ना। शिक्षक का बेटा होने का ही आपको लाभ मिला, क्योंकि शिक्षक का बेटा अगर बचपन से देखे अपने पिता को तो उससे ज्यादा शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। इसी रूप में मैं अपनी भावना पकड़ कर मैं देख रहा था। बाकी बातें सब कह दी है, मैं क्या कहूँ। घोषणा करने की बात है वो मैं कह देता हूँ, जो शिक्षा मंत्री मुझे कहेगी वो सब वही मंजूर है। नवाचार किए जो कि कई प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि नियम भी बदले क्योंकि बहुत लंबे अच्छे थे, 30-40 साल के पुराने थे, क्योंकि नियम कुछ और व्यवहार में कुछ आए गए आदि तो कई तकलीफ होती जो उन्होंने खुद ने बताई अभी आपको। PTI लाइब्रेरियन PO सबके प्रमोशन के अंदर भी सबसे तकलीफ होती है। इनके वक्त में ही जो है ये जो प्रयोग कम नहीं है, अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग है ना, ये क्रांति लाएगा देश। मैं अंग्रेजी खिलाफ रहा हूँ बचपन से, मैं खुद जब बचपन में छात्र था उस जमाने में 50 साल पहले तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे। वहाँ पर कोई बोर्ड लिखा है अगर मान दुकानदार कागज आगे जला दो उसको, उसके रिएक्शन के अंदर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी को लेकर विरोध होता था, काला पोत दो आंदोलन छुट्टी कर दो। हम भी सोचते थे कि अंग्रेजी किस काम की, संस्कृत किस काम की, पर आज मैं कह सकता हूँ संस्कृति की संस्कृत इम्पोर्टेंस है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बहुत महत्व। हमने महसूस किया कि अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आती भी आपको, पर आपके अगर बचपन से छात्र जीवन में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो बच्चा बड़ा होकर के अंग्रेजी बोल नहीं सकता। और IT का जमाना, राजीव गांधी ने जो 21st century की बात की थी, तो कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, गूगल और फेसबुक देखते कितने प्लेटफॉर्म आ गए, दुनिया भर की नॉलेज आपके पास है। हिंदी में भी आजकल है उसके अंदर सिस्टम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज एक प्रकार से अंग्रेजी बन चुकी है। IT करके बच्चे जाते नौकरियों में तो उनको 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं, पर अगर उसका कन्वर्सेशन इंग्लिश में ढंग से नहीं है तो उसको तकलीफ भी आती है। सिलेक्शन में चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हों, स्टेट सर्विसेज हों, चाहे आपको देश दुनिया में भी जाना पड़े, तो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी की जगह तो हिंदी मतलब रखेगी रखनी चाहिए जिंदगी के अंदर, हमारी मातृभाषा है, पर अंग्रेजी अगर आप एक्स्ट्रा सीख लो बचपन से छात्र जीवन में, अंग्रेजी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। मुझे बाबा गुस्सा था कि लोग लूट रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे 1,50,000 की फीस होती है। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट बनाया है वो भी बड़ा क्रांतिकारी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, उसमें ये कहा गया 25% गरीब बच्चों को इन स्कूलों में जो अंग्रेजी स्कूलें हैं वहाँ पर इनको देना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा, उसकी फीस तो सरकार भरेगी पर एडमिशन को देना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसका तोड़ निकाला हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, ये नहीं का आइडिया था, ये तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को उससे दे देते अलग बात है, परंतु आइडिया नहीं का था कि अंग्रेजी स्कूल खोलनी चाहिए। पहले मैंने कहा महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ दिया उसमें, मैंने इनको कहा पर महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ना बुरा नहीं था। और ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, ये राजस्थान
के लिए क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं बताऊंगा क्यों है, पर मैं ही बताना चाहूंगा, अब फैकल्टी पैदा करने की बड़ी आप सकती है, बिना फैकल्टी के आप जो फैलाव नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल कर पाएंगे। और हमारी अंग्रेजी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें कम नहीं होनी चाहिए, अगर वो कम नहीं हो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फैकल्टी बनाएं या उसमें हम कोर्सेज शुरू करें, कोचिंग क्लासेज लगती है पूरे राजस्थान और देश भर के मेरे पास ज़्यादा आजकल, तो अंग्रेजी के बारे में लिखनी शुरू हो, ऐसा कोई प्रयास करो आप, मेरे कोई टीचर आगे निकल करके, क्योंकि अच्छी फैकल्टी होगी तो अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और बचपन से जो बच्चे जा रहे हैं प्री प्राइमरी में भी, वो बच्चे भी घर आते इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं, इसका मतलब बड़ा जब होगा तो वो फ्रेंच इंग्लिश में बोल पाएगा और उसको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में मैंने अनुभव किया है, मैं 40 साल पहले पार्लियामेंट चला गया था 80 के अंदर, वहाँ हिंदी बोलने वालों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, परंतु जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं का दबदबा वहाँ पर रहता है। आप सोच सकते हो कि विचार में हम कम नहीं हैं, पर अगर लैंग्वेज वो है आपकी तो उसके अंदर से आपको तकलीफ आती है, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करो, उसी से पर्सनलिटी बनती है, उसी से व्यक्तित्व कर्तित्व में निखर आता है, उसी से आगे पहचान बनती है। अब मैं जो आपको कह रहा था ये क्यों क्रांतिकारी है, अगर गांव में ढाणे में बच्चा जो परिवार रहता है जो अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेतिया मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो कैसे 50,000-1,00,000 की कल्पना कर सकता है फीस देने की। अब उनके बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल पढ़ेंगे सरकारी अंग्रेजी स्कूल में, दिन काम आने वाले उनके जान बिछा दें, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो हम चाहेंगे कि जितनी फैकल्टी मिले, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो, नाम मात्र स्कूल बोले अंग्रेजी स्कूल है और टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके कोई मायने नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रायोरिटी हम उनको भी दें, अन्य विषय के साथ साथ जितनी फैकल्टी मिलेगी उतनी स्कूल खुल जाएगी, तो मैं कहना चाहता हूँ आपको जितनी फैकल्टी मिलेगी कॉम्प्रोमाइज नहीं। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि गाँव के बच्चों को, ढाणे के बच्चों को, अगर वो आज 2-3 साल के बच्चे आने लगे स्कूल, और आजकल समय बदल गया है, जैसे अपन सबकी एज बड़ी है, कोई जमाने में 60 साल का व्यक्ति भी लकड़ी लेके चलना नहीं जाता था वो टाइम देगा हमने, और छोटे चले जब तो 60 साल हो गए, मतलब ये पता नहीं कब ऊपर चला जाएगा। अब 80 साल का भी माँ बाप होते तो अपन भी पूरी सेवा करते भाई की लंबा ले जाए उनको, और कई 80 साल के 90 साल के लोग तो गाड़ी चलाते हैं, वो भी देखा है। तो टाइम बदल गया, उसी जगह बच्चों की सोच बदल गई, आगे बच्चे मोबाइल फोन में कंप्यूटर में हमसे आगे हैं, माँ बाप भी अगर कोई अटक जाता है मोबाइल में बच्चों को देता है तो ठीक कर दे, हैंग हो गया देता है तो बच्चा पट 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 कर, बच्चे वो हैं, बच्चे वो हैं, पर बच्चों के संस्कार, उनकी अपनी संस्कृति, अपना रिवाज, अपना जो औरा है प्रदेश का देश का, वो भी उन्हें कायम रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर उनको शिक्षा ढंग से नहीं मिली तो फिर वो बड़े होकर के जो प्रोसेस होता है उसमें वो तकलीफ पाएंगे। क्योंकि आज तक मोदी जी ने कहा, एक नेता ने मजाक के अंदर, कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा होने लग गए, उनका व्यवहार वैसे ही बन जाता है, वो खुद ही तकलीफ पाते हैं और समाज भी तकलीफ पाता है। तो हमें बाप ने बच्चे पैदा करने हैं देश के अंदर, संस्कारवान बने बच्चे, संस्कारवान बने बच्चे इस रूप में बनेंगे तो मैं समझता हूँ शिक्षकों की भूमिका जो है वो अद्वितीय है, उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हर
पाँच सितम्बर को अपन बैठते हैं तो शिक्षकों के गुणगान करते हैं, शिक्षक क्या है, अभी देखी बोले थे शिक्षा मंत्री जी कि वास्तव में उनका सम्मान तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ शिक्षकों को छोड़ दो, जैसे एक किसी ने कहा एक शिक्षक से बड़े दर्द के सामने रिटायरमेंट में दो चार साल बचे होंगे तो उसने बड़े दर्द रहा था, मैंने मेरी जिंदगी में कभी क्लास ही नहीं दी। पता करता हूँ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग जो है सीखे समाज को बदनाम करते हैं। शिक्षक शिक्षक है वास्तव में, शिक्षक निर्माता देश का, प्रदेश का, समाज का। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी जो माँ बाप की जगह माँ बाप है उनके बाल नंबर शिक्षक आता है, और शिक्षक जो सिखा सकता है बच्ची के दिमाग में शिक्षक के प्रति वो भावना होती है कि मेरे गुरु है, मुझे मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो इनकी प्रेरणा से कर पाऊँगा, इनके सिखाए हुए अनुभव मेरे काम हैं। तो आपका दर्जा समाज में बहुत बड़ा दर्जा है, उस दर्जे को हम कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कैसे बढ़ाएं आप बताइए। मेरा अभी मंत्री ने कहा कि शिक्षक संघ बहुत सारे बन गए हैं, अब किससे बात करें समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी कोई तरीका निकालो जो आपकी बातें फिर सरकार तक पहुंचे, सरकार की जमकर आपकी काम करो। हम चाहते हैं कि अब देखिए जैसे मैंने पिछली बार घोषणा कर दी होगी आवास योजना की या और बस फ्री जो भी किया होगा, अभी मुझे मिले कोई शिक्षक वो कह रहा हूँ घोषणा आपकी जो थी वो तो अभी पूरी हो नहीं पा रही है, तो नौबत क्यों आई? अगर मैंने घोषणा करी तो घोषणा 15 दिन में महीना भर में लागू होनी चाहिए थी। अगर वो शिक्षक संघ अगर आपके कहते गिरदावरी करवाओ, अब गिरदावरी करने का मतलब सर्वे करवाओ एक प्रकार से, भाई कहते आपके शिक्षक का कौन से संघ जो है किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, 1,000, 2,000, 3,000, तो फिर एक रहेगा कि हम कैसे आपके पास बुलाएं, आपको सर सम्मान डेलीगेशन आए शिक्षा मंत्री के पास जाए, जो तो मुख्यमंत्री भी मिलाने को लिया है, बैठ गया मेरा चाय पिए, बातचीत करें, गपशप करें और फिर क्या क्या आपकी समस्या सुने, तो ढंग से आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे आदेश हो सकते हैं। अब उसके अलावा खाली अपन न्यूज में आ रहा है, अखबार में भी मांग कर रहे हैं, कोई संगठन कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो उस समय में नहीं आता। और फिर संगठन बहुत सारे हैं कर्मचारियों के भी सबके हैं, सब विभागों के हैं, तो 70-80-100 संगठन हैं, तो फिर बात उस रूप में हो नहीं पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने अपनी परीक्षा कई बार दे चुके हो, आप टीचर के अलावा ये जो आपको जो सेंसर आ गया तो आपको काम दे देते हैं, चुनाव आ गए तो आप जिम्मेवारी रहती है, आपने अपनी परीक्षा दे दी है, उतना खड़े होते हैं कोरोना के वक्त में। कोरोना के वक्त में जो काम राजस्थान ने किया है आप सबके आशीर्वाद से रूप से मैं समझता हूँ देश में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त में पहली वेव थी लोगों को भय था पता नहीं क्या होगा, मतलब बाहर लॉकडाउन लग गया किसी मिलेंगे खुद कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे, पहली वेव में भय ज़्यादा था और पहली वेव में जो वेरिएंट था वो कोरोना का वो कमजोर था, तो ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, जो सोचते थे हम लोग तैयारी कर रखे थे, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, समाज का आह्वान किया है, धर्म गुरुओं को किया, एनजीओ को किया, एक्टिविस्ट को किया, आप सबको किया, प्रदेशवासियों को किया, सब राजनीतिक पार्टी को मैंने बुलाया, मैंने कोई उसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, फिर कोई आरोप लगाया ना बात पर हमने कोई कोशिश नहीं करी। परिणाम मेरा राजस्थान की जनता ने आगे बढ़ करके खाना बनाना पक्का खाना कच्ची सामग्री एमएलए को फंड दे दी, हमने उनका जो एमएलए फंड होता है उसको छूट दे दी, सब तरह से ऐसी स्थिति कर दी आराम से वो टाइम निकला और हमने कैश बांटा 5 लाख 1,000 करके 5,500 करके बांटे गरीबों को जो बिल्कुल इंस्टीट्यूट थे उनको
चारों ओर से जितने की गर्दी के राजस्थान में बड़ी सुख शांति के साथ हमने उसका मुकाबला कर दिया। दूसरी वे इतनी खतरनाक आई अचानक की कि पूरे देश में हाहाकार मिल गया ऑक्सीजन को लेकर के। बेड खाली नहीं थे बॉम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहीं पर भी। हमने कई लोगों को दिल्ली और पंजाब और यूपी आपके लगता हुआ एरिया जो है, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग यहाँ आए हैं इलाज कर। आईएसएस ने तो शानदार काम किया, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे काम हो गए। तो इस प्रकार से हमने उसका मुकाबला किया। खाना पहुंचाने में कांस्टेबल तक ने मदद करी, पुलिस कांस्टेबल ने भी, हेड कांस्टेबल ने भी, सब ने एकजुट एकजुट हो गए। और टीचर को ट्रैकिंग करना है, सर्वे करने का काम दिए, जो आपको काम दिया ज्ञान हथेली में रख के आप लोगों को काम को किया। तो इसलिए मैंने कहा कि काम बड़ा शानदार था। अब संख्या बढ़ी 98 लाख तक हो गई टीचर, 10 लाख संख्या बढ़ी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब आपकी शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल बनाया होगा, तभी तो बच्चे आए हो 10 लाख बच्चे इसमें। कैसा इनका टारगेट 1 करोड़ तक का है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शानदार काम हुआ है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा, एक साथ मैंने करीब 132 कॉलेज 130 कॉलेज खोल दी मैंने कॉलेज 33 कॉलेज तो गर्ल्स की है। और ये कर दिया कि आप 500 गर्ल्स होगी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, इतना बार मैंने किया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये प्रिंसिपल वाला, वाइस प्रिंसिपल वाला जो आपने इतना बड़ा झगड़ा था, ये आपका सरकार को टेंशन देता था वो झगड़ा, झगड़ा आपका टेंशन हम आते थे। हेड मास्टर को समझा गए या इनको लेक्चर को समझा गए, बताइए वो झगड़े को भी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा बैठा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लंका जी, शिक्षा मंत्री जी, आपके अधिकारी जो भी थे, उन सब ने मिल गया, बताया कितना ब्यूटीफुल तरीके रास्ता निकाल दिया। अब किसी को शिकायत नहीं, सबको चांस मिल जाएगा। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के जो काम हुआ है, और कल अभी बता रहे थे, कल आपका स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपने सरकारी योजनाओं के ऊपर आपने यहाँ पर प्ले किया, मुझे बहुत खुशी हुई जान। शिक्षक गांव में रहते हैं, कई लोग कि गांव से आते जाते हैं, परंतु सरकार इतनी शानदार योजना है, हम लोग सब परमिट सर, हम चाहे चुने हुए लोग हैं, एमएलएमपी मंत्री मुख्यमंत्री या सरकारी मुलाजिम है या टीचर, सब लोग हम लोग पब्लिक पब्लिक के तो सर्वेंट हैं, लोग सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है क्या हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक के लिए, लोग करें, आप लोग भी करते हैं शिक्षा शिक्षा के भूमिका अदा करने के साथ साथ। तो साथ में आप लोग जो सरकारी योजनाएं गाँव में हैं, ये गाँव वाले बेचारे समझते नहीं हैं। अब चीनी नहीं योजना लेके आए हम लोग प्रदेश, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर ये योजना है। 5 लाख का बताइए कैश लेस बीमा होगा, 5 लाख का प्राइवेट में जाओ।